हिमाचल प्रदेश की ऊना का एक पूर्व नौसैनिक का इंजीनियर बेटा कुवैत में पिछले लगभग 4 महीने से फंसा हुआ है। लॉकडाउन होने के वजह से ऊना का रहने वाला ऋषभ कुवैत की एक कंपनी में पिछले 15 हफ्तों से फंसे हुए हैं। ऋषभ कुवैत की एक कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते हैं। उसका वीजा 6 अप्रैल को समाप्त हो चुका है और जिसके बाद उसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से भारत आना था, लेकिन देश में 25 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके कारण वो अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। ऋषभ ने कुवैत से ही मीडिया को एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी से उन्हें भारत वापस लाने की गुहार लगाई है, जबकि भारत में उसका परिवार में बीमार माँ अपने जिगर के टुकड़े को मिलने को बेताब है और सैनिक का भाव के लिए उसके पिता भी अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए बेताब हैं। इसी कारण ऋषभ का परिवार भी यहां केंद्र और राज्य सरकार से उसे वापस भारत लाए जाने के लिए गुहार लगा रहा है। उधर ऊना में ऋषभ का परिवार उनके लिए खासा फिक्रमंद है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और माता पिता हैं, जो ऋषभ की तस्वीरों को निहार कर उन्हें याद करते रहते हैं। उनकी पत्नी ने अपने पति के लिए और माता पिता ने अपने बच्चे के लिए पीएम मोदी पर भरोसा व्यक्त करते हुए उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाए जाने की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम केशव शर्मा, मैं ऊना निवासी है। मैं अपनी सरकार से ये गुहार लाना चाहता है कि सानू इत्थे कुवैत ते अपने कंट्री जाने की परमिशन दिती जाए, जिदा कि पंजाब सरकार ने अपने बशिंदियां नूं परमिशन दिती है कि तुसीं अपने पंजाब आ सकते, लेकिन सानू हिमाचल वाले नूं हजे हिमाचल सरकार ने यह परमिशन नहीं दिती है। असीं अंबैसी अप्लाई करते हैं तो वह बोलते हैं कि तुहाडी सरकार ने हजे तुहानूं परमिशन नहीं दिती है, तो तुसीं जा नहीं सकते। तो असीं हिमाचल सरकार से यह गुहार लाना चाहते हैं कि ये सारे अपने खर्चे से आ जाते हैं, पर सानू हिमाचल आने की परमिशन दिती है। Okay. मेरा नाम है सुदेश प्रकाश शर्मा, मैं नौसेना से रिटायर्ड एक पूर्व सैनिक हूँ और मेरे छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है और मेरी पुत्र वधू है। तो बेटा मेरा जॉब के लिए पिछले वर्ष 2019 में कुवैत जॉब के लिए गया था और एक साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, जो 5 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो गया और इस दौरान लॉकडाउन हो गया, वहाँ से फ्लाइट बंद हो गई और वो तब से कंपनी की मर्सी पर वहाँ पड़ा हुआ है। अभी उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गए हैं, जहाँ तक मुझे फ़ोन से जानकारी मिलती है। अभी कंपनी वाले भी बोल रहे हैं कि भाई आप अपना बंदोबस्त करो अभी, क्योंकि अपने मुल्क को रिपोर्ट करोगे हमें बुलाओ, तो फंस गया हुआ है। और हमने इस विषय में जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, मंत्रियों महोदय से भी मिले हैं, लेकिन आज तक हमें कोई इस चीज़ की रिलीफ नहीं मिली या कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से फ्लाइट है नहीं। और बेटे ने हमें ये बताया है कि अगर जब तक प्रदेश सरकार अलाउ नहीं करेगी, हमारे मिशन को नहीं बोलेगी, तब तक उसको इंडिया नहीं लाया जा सकता है। तो मेरी तो प्रशासन से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी ये गुजारिश है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी ये मेरी ये गुजारिश है कि उसे जितना जल्दी हो सके बुलाया जाए वापस, क्योंकि मेरी वाइफ डिप्रेशन के शिकार है और जिसकी वजह से बड़े परेशानी में है। तो हमारे पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी तो ये दरख्वास्त है कि मेरे बेटे को जितना जल्दी हो सके वापस लाने की कृपा की जाए। दिक्कत मेरे को बहुत आ रही है, मैं उसका फोन भी नहीं सुन सकती, 3 महीने से कमरे में बंद है और जब इनसे इनके पास फोन आता तो उसी टाइम मेरे को तकलीफ हो जाती, मैं गिर जाती हूँ। मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी वापस आए। तो बेटे की कितनी ज्यादा आती है? बेटे को बहुत ज्यादा आती है, मैं रात को सोती नहीं हूँ, घूमती रहती हूँ, सब इनको बोलती रहती हूँ, सब जगह जा जाके थक गए हम लोग। मैं उससे फोन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को कुछ हो जाता है, उसको जल्दी से जल्दी वापस बुलाओ। मेरा नाम बंदना शर्मा है, मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर कुवैत में गए थे जॉब करने के लिए इंजीनियरिंग के थ्रू, तो अब उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है 6 अप्रैल 2020। तो लॉकडाउन के दौरान वो वहाँ पर फंस गए हैं, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो इस टाइम समय व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर। ऐसे 2-3 मंथ हो गए हैं रूम में बैठे हुए अकेले अकेले ऐसे ही, तो फिर होता है कि डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है बंदा ऐसे। तो यहाँ पे हमने सभी को डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में,
सभी को बोला है मंत्रियों को, पापा ने ऐसे सभी को जा जा के, पर किसी ने कुछ भी सुनवाई नहीं की है। तो वहां पे मेरे हस्बैंड ने ये बताया कि जब तक एचपी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती। तो हम सीएम से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द उनको लेने की कृपा करें। सो प्लीज, थैंक यू। आपकी जो सास है क्या वो ठीक रहती है? अच्छा, नहीं, मम्मा का तो बहुत बुरा हाल है ना उनको, वो तो ऐसे ही बस मान लो कि टाइम काट रहे हैं बस। हालांकि भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को वापस भारत ला रही है, ऊना प्रशासन ने भी ऋषभ और उनके परिवार की अपील को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया है। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधरने पर फ्लाइट सेवाएं शुरू हो जाएंगी और अजय तथा अन्य भारतीयों को वहां से वतन वापस लाया जा सकेगा। इस बीच प्रशासन ने ऋषभ और उसके परिवार से संयम रखने की अपील की है।